वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो आर्मी वैसे तो आपके फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS फिलहाल मिलिट्री में लिस्टेड हैं, लेकिन उन्होंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए नई नई न्यूज नई नई अपडेट आती रहेंगी, वैसा ही फैंस के लिए हो रहा है। हर दिन फैंस को BTS को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती रहती है, और आज फैंस के लिए सुबह सुबह जो गुड न्यूज़ आई उससे फैंस ना सिर्फ प्राउड फील कर रहे हैं बल्कि आपके उस फेवरेट के पॉप आइडल ने इस नई गुड न्यूज़ के साथ कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। और यही आज की हमारी पहली अपडेट की किस तरह आपके फेवरेट के पॉप आइडल Jungkook ने एक बार फिर से पूरे के पॉप को हिलाते हुए बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तो आर्मी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि शायद ही के पॉप में इतना जबरदस्त इतना अमेजिंग सोलो डेब्यू शायद ही किसी का हुआ हो, लेकिन Jungkook ने जब से अपना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग 7 और अपनी एल्बम गोल्डन रिलीज किया तब से वो कई रिकॉर्ड्स बनाते ही जा रहे हैं, फिर चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चार्ट्स हो या फिर अवार्ड्स। और आज सुबह सुबह दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में से एक माने जाने वाला पीपल चॉइस अवार्ड ने अपनी इस साल की नॉमिनेशंस अनाउंस की, और Jungkook इसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले के पॉप आर्टिस्ट बन गए जिन्हें एक साल के अंदर पीपल चॉइस अवार्ड में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार चार बड़ी नॉमिनेशन मिली हैं। आप उनके अचीवमेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि पूरे BTS बैंड को 2018 से लेकर 2022 तक सिर्फ चार नॉमिनेशन यानी चार सालों में चार नॉमिनेशन मिली थी, और Jungkook ने इस साल अपने सोलो करियर में एक साल के अंदर ही चार नॉमिनेशन पाली। Jungkook ने नॉमिनेशन में टेलर स्विफ्ट, ओलिविया रोड्रिगो जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को पीछे छोड़ा है, और अब फैंस को लग रहा है जिस तरह Jungkook के 7 ने हर अवार्ड में जाकर जीत हासिल की है तो पीपल चॉइस अवार्ड में भी Jungkook जीत कर ही आएंगे। तो आर्मी ये गुड न्यूज तो आपने सुन ली, लेकिन अगली अपडेट जो BTS को लेकर बिगिट को लेकर आ रही है वो आपको थोड़ा मायूस थोड़ा हैरान जरूर कर सकती है, जिसे लेकर आर्मी हाइप पर भड़की हुई है क्योंकि फैंस को लगता है कि हाइप ने BTS को सिर्फ पैसे छापने की मशीन समझ रखा है, जैसे कि BTS मेंबर्स की जिंदगी पर सिर्फ हाइप का कब्जा हो। और इसे लेकर पिछले 2-3 दिनों में दो बड़े इंसिडेंट हुए हैं। पहला ये कि मिलिट्री से जो भी BTS की इंफॉर्मेशन आती थी उसे लेकर बिगिट ने द कैंप ऐप वालों को लीगल नोटिस भेजा है। चलो यहाँ तो समझ आता है कि द कैंप ऐप वाले BTS का नाम यूज कर पैसे बना भी रहे थे, लेकिन अगला इंसिडेंट जो हुआ वो था एक छोटी सी कोरिया की शॉप का, जहाँ पर शॉप वाला BTS मेंबर वी की गुडीज अपने शोरूम के बाहर लगाकर आराम से अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन हाइप ने उसे भी नोटिस भेज दिया कि भैया तुम हमारी परमिशन के बिना BTS के नाम से बिजनेस नहीं कर सकते, जिसे लेकर आर्मी थोड़ा नाराज है कि बिगिट खुद तो BTS को जमकर यूज करता है, उनकी हर चीज पर पैसा बनाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में फैंस मुंह से BTS का नाम भी निकालें तो भी शायद बिगिट नोटिस भेज दे। तो जोक्स अपार्ट आर्मी, लेकिन देखो बिगिट ने BTS के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ऐसे कोई भी छोटी बड़ी कंपनी BTS के नाम से पैसा ना कमा ले, गलत बिजनेस ना करे, इसीलिए बिगिट को ये सारे नोटिस भेजने पड़ते हैं। बाकी आप लोगों को ये कितना सही लगता है कितना गलत, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।